करता नहीं, यहाँ तो सब करना पड़ता है, यहाँ पर तो हमारी लाइफ तो झंडा है ऐसे करके। दो बार लुढ़क गया था ना भाई, तो इसलिए वो मेरे को फिर से देनी पड़ी, करीबन $40,000 वो दिए भाई। 6-6 महीने तक जॉब नहीं है, जितने भी जॉब्स करी, भले अब डिलीवरी जॉब्स ले लो, डोमिनोज ले लो, साला गांजा कौन फूंक रहा है। तुषार भाई सबसे मोटी कमाई यूट्यूब, कहाँ गया आपका? क्या आप लोग चाहते हो मैं यूट्यूब की अर्निंग्स बताऊँ अपनी? तो भाई आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातचीत होने वाली है, ठीक है? काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो एग्जिस्टिंग हैं, जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग एग्जिस्टिंग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। मैं अभी आया हूँ, इस पार्क का नाम मेरे को पता नहीं भाई, ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग आते हैं केंजो को लेके। केंजो यहाँ खुला अपना याशी करता है, घूमता है, दूसरे कुत्तों से मिलता है, दूसरी डॉगी से मिलता है, ठीक है, वो हिंदी ऐसी बोलते हैं भाई, हम क्या करें, बिची से मिलता है केंजो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सोशलाइजिंग भी हो जाती है और खुश रहता है भाई। मैं इसको ले आता हूँ दिन में एक बार ही, ऑफ लीश पार्क है, तो यहाँ पर हम लोग डॉग के लीश खोल सकते हैं, तो ये ईजिली यहाँ पर घूम लेते हैं। और लिटरली भाई बहुत सारे यहाँ पर कुत्ते आते हैं, अलग अलग ब्रीड के सुंदर सुंदर कुत्ते, ठीक है, एंड उनके ओनर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं कभी कभी, तो ऐसे नहीं बोलता, सारे लोग सुंदरता क्या है, सुंदरता है ये प्रवचन आज नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ आई पेड $100,000 एज ए यूनिवर्सिटी फीस, नहीं 100,000 यूनिवर्सिटी फीस इन ऑस्ट्रेलिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट लिविंग 4 years हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। तेरे भी पूरे पैसे दिए इधर आ, केंजो कम, केंजो देखो, मैंने बताया ना बहुत सारे कुत्ते, वो देखो बोरे 1, 2, 3, 4 उनके पास हैं, नहीं 3 है उधर, एक ये भाई है वहीं देख रहा। केंजो जा मिल कर आ, जा वो छोटे हैं लीज पे, जा मिल क्या, जा मिल क्या, केंजो सॉरी गाइस, केंजो कम आ गया भाई, नाइस टू मीट यू, टेक केयर, या तो भाई बहुत ज्यादा देर खेलता रहा भाई, ठीक है, केंजो और वो दीदी का डॉगी, उसका नाम भाई का था कोडी, ठीक है भाई, मस्त खेल रहे दोनों, और वो इस पे थोड़ा थोड़ा भौंक रहा था, पता नहीं क्यों भाई, वो कह रहा था इसको रुक जा, ये दोनों थक गए थे भाग भाग के, पर अभी ठीक है। अब भाई मेन टॉपिक पर आते हैं, और अगर आप लोग चैनल में नए हो, नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, जाके आप लोग दबा सकते हो भाई, 5 लाख के बहुत ज़्यादा नज़दीक है हम लोग। और क्या कह रहा था मैं, इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट, इतनी ज़्यादा जेन्युइन वीडियोज़ भाई आप लोगों को स्टार्टिंग से दी है मैंने, थोड़ा सा भाई मज़ा मोटिवेशन सा आ जाएगा, पता नहीं यूट्यूब ने क्या कर दिया भाई हमारे चैनल के साथ, बिल्कुल ही थप्पड़ गया भाई, बिल्कुल ही ऐसे स्लो हो रखा है, बट ठीक है भाई, अपन भी डिले, हम भी कहाँ एक्टिव थे, अब से हम एक्टिव हो गए। तो हाँ मेन टॉपिक पर आते हैं, अभी पहले ड्रोन शॉट देख लो। तो हाँ भाई, सबसे पहले आप मेरी COE देख सकते हो, ठीक है, ये है मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की COE, तो मतलब प्रॉपर आपको दिख नहीं रही होगी, बस आप लोगों को अमाउंट दिख रहा होगा, क्योंकि मैं COE भाई लीगल कागज आता है ना, नहीं दिखा सकता। तो $65,000 मेरी इसकी फीस है, ठीक है, मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की। तो सर भाई स्कॉलरशिप भाई मेरे को मिली थी 25%, ठीक है, तो मेरी फीस हो गई थी करीबन $48,000। अब भाई $48,000 मेरी फीस हो गई थी, तो तुषार भाई 1 लाख कैसे? तो भाई इससे पहले मैं अकाउंटिंग भी कर रहा था ना, अकाउंटिंग की मेरी फीस थी 6, वो भी सेम ही थी, ठीक है, 65 अराउंड, मेरे को उसकी वो नहीं मिल रही COE, तो अकाउंटिंग की जो मेरी फीस थी वो करीबन $80,000 के करीब थी, 60,000 थी मेरी 2 साल की, वो $60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसमें से भाई मैंने फीस करीबन पे करी 40,000, ठीक है, अकाउंटिंग की। तो सर भाई तो घाटा हो गया बहुत ज़्यादा। तो भाई क्या सीन हुआ कि वो बीच में लुढ़क गए थे ना 2 सब्जेक्ट में, और मैंने आप लोगों को बहुत बारी बताया कि अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में फेल होते हो तो यू हैव टू रीपे द फीस। हर सब्जेक्ट का एक प्राइस होता है, मतलब सेम ही होता है सबका, $4,000 के करीब, जितने भी आपकी फीस है डिवाइड बाई 8 कर सकते हो, मास्टर्स के लिए आ रहे हो, डिवाइड बाई 12 कर सकते हो, बैचलर्स के लिए आ रहे हो 3 साल का। तो दो बार लुढ़क गया था ना भाई, तो इसलिए वो मेरे को फिर से देनी पड़ी, करीबन $40,000 वो दिए। अब टेंशन मत लो भाई, मैं वो डिग्री फिर से भाई ख़त्म कर सकता हूँ जब भी मन करे, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट्स हैं, सो विद इन 5 years आई कैन फिनिश दैट डिग्री एज वेल। तो होपफुली इसके बाद, फिल्म मेकिंग के बाद अगर पढ़ने का मन हुआ तो मैं फिर से वो डिग्री ख़त्म कर दूंगा ये प्रॉपर,
बताओ सही आइडिया है कि नहीं, तब डबल मास्टर्स हो जाएगी मेरे पास। अब भाई मोटे मोटे हो गए 88,000 डॉलर्स, ठीक है। अब भाई 88 हो गए तो ठीक है ना, अब इतने लाख तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही है। तो 88,000 डॉलर्स कैसे तुषार भाई अपने 4 साल में पे करे। हम लोग बात कर रहे थे अपनी जॉब्स के ऊपर कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में आए कितनी जॉब्स करी, कौन कौन सी जॉब्स करी। भाई जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया, आप लोगों को पता है, मैंने भाई स्टार्ट किया ऊबर ईट से। कोविड के टाइम पे मैं आया था, ठीक है, एंड कैसे चल रहा था कि कोई जॉब ही नहीं थी। आज भी बच्चे मेरे को मिलते हैं भाई 6-6 महीने तक जॉब नहीं है, तो शार भाई हमको मिल नहीं रही। भाई मेरे को भी 6 महीने बाद मिली थी, हाथ पैर मारते रहो मिल जाएगी। मैंने ऊबर ईट्स करी, मेरे को फिर जॉब मिली डोमिनोज में। टी शर्ट भाई अच्छी लग रही है ना, इस पर भी केंजो लिखा हुआ है, मतलब ऐसे कैसे दिखाऊं, छोड़ो। तो हाँ, सबसे पहले डोमिनोज पे जॉब करी, उसके अंदर भाई मैंने करीबन काम किया 6 महीने। फिर मैंने दूसरे डोमिनोज पे काम किया क्योंकि उस वाले डोमिनोज पे शिफ्ट्स नहीं मिल रही थी। मैंने आप लोगों को कई बार बताया ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लोग शिफ्ट्स कैंसिल करते हो, बार बार सिक कॉल कर रहे हो, तो वो आप लोगों को शिफ्ट देनी बंद कर देते हैं। तो फिर मैंने जॉब चेंज कर दी और वो थोड़ा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो क्या सारा काम जहाँ मैं बाद में बताऊँगा। बट हाँ, वो डोमिनोज में 6 महीने जॉब करी जहाँ पर मेरा पे रेट था करीबन $29 पर आवर, तब 20 घंटे अलाउड थे स्टूडेंट को वो वाले टाइम में, तो करता था फिर मैं। अगर 10 घंटे डोमिनोज से मिल रहे हैं तो साला गांजा कौन फूंक रहा है, स्मेल आई इतनी तेज। 6 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, फिर मैंने चेंज करी जॉब, मैंने दूसरे डोमिनोज पे काम किया 6 महीने, और वहाँ पर भी मेरा सेम पे रेट था। डिलीवरी के हम लोगों को कुछ 38 सेंट्स मेरे को एक्स्ट्रा मिलते थे, 38 से पता नहीं कितने थे 40 सेंट पर किलोमीटर, वहाँ पर हम लोग की ये पे रेट थी। जब जब आवर्स नहीं थे मैं ऊबर ईट्स करता था अपने आवर्स पूरे करने के लिए। उसके बाद उस डोमिनोज से मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप लोगों को पता ही है। तो भाई एक्सीडेंट के बाद से मैंने डोमिनोज छोड़ दिया, मैंने फिर सोचा भाई सिर्फ मैं ऊबर ईट्स ही कर लूँ वही बहुत है। फिर भाई धूप आ गई। 1 साल का मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, फिर भाई ऊबर ही करता रहा, और फिर कोविड में अनलिमिटेड आवर्स हो गए, ठीक है। ऊबर ईट्स करते थे भाई हम लोग गाड़ी पे भी, मैंने आपको प्रॉपर बता रखा है मेरी टोटल ऊबर ईट्स की अर्निंग कितनी हुई है आज तक, ठीक है, 3.5 साल में। तो यहाँ पर साइड में लिंक आ जाएगा, 3.5 साल की हूँ क्योंकि वीडियो 3-4 महीने पहले बनाई थी और फरवरी में हो जाएंगे 4 साल, इसलिए समझ गए ना। फिर भाई उसके बाद में मेलबर्न मूव हो गया था, जहाँ पर मेरे को पहले के 2 महीने जॉब नहीं मिली थी, और जॉब ना मिलने के कारण मैं काम नहीं कर रहा था, और काम ना करने के कारण पैसे नहीं आ रहे थे, और पैसे नहीं आ रहे थे तो उसके बीच मेरे को कोविड भी हो गया था, तो वो अलग लेसन लगे थे मेरे। हाँ भाई, फिर कोविड हो गया था, कोविड के बाद कोई जॉब नहीं करी, ठीक है, मतलब 1-1.5 महीना तो नहीं करी थी। उसके बाद भाई फिर मैंने कहा तो नहीं होगा भाई, ठीक है, कुछ भी ऊबर करते हैं। ऊबर भाई फिर हमने एक्टिव कर ली, और सीन क्या हुआ कि मेलबर्न में क्या रूल था कि 6 महीने बाद आप लोगों का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। इंडिया से अगर आप लोग आ रहे हो ना लाइसेंस लेकर, वो 6 महीने बाद आप लोगों का एक्सपायर हो जाएगा, आप लोगों को चेंज कराना पड़ेगा। ये रूल पता नहीं शायद न्यू साउथ वेल्स में और सिटीज़ में और स्टेट्स में क्या है, बट मेलबर्न में ऐसा रूल था। फिर मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया, मैंने कहा भाई अब तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, फिर लाइसेंस बनवाया, और उसी के बीच में मेरी बीपी पे जॉब लगी। बीपी क्या है भाई, बीपी फ्यूल स्टेशन है, आप लोग साइड में फोटो और मेरी वो सब देख सकते हो, करता रहता था, ठीक है, ऐसे जॉब पे जा रहे सुबह जल्दी जल्दी उठ के, और फिर ऐसे एक मेरी मैंने एक स्टोरी डाली थी, एक पहली मैंने अपनी नाइट शिफ्ट करी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसके अंदर मैंने लिखा था कि मेड मनी बिफोर एनी मन एल्स ऑन, ये डेट लिखी हुई है। और बेसिकली कहने का मतलब ये था कि रात नाइट शिफ्ट मैंने कर ली, सुबह मैं घर आ गया और सारी दुनिया काम पे जा रही थी, तो मैंने कहा इस तारीख को सबसे जल्दी मैंने पैसे कमा लिए, ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत बकचोदी करते थे भाई। बट हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था भाई, हर जगह जितने भी जॉब्स करी, भले अब डिलीवरी जॉब्स ले लो, डोमिनोज ले लो, और वो बीच में एक नमकीन बनाने वाली जॉब भी थी, ठीक है, ब्लॉग बना रखा है उस पर भी मैंने, ठीक है, वो भी करा भाई मैंने, और क्या किया था मैंने, हाँ, और ये सब चलता रहा, ठीक है। फिर मैंने बीबी पे काम किया करीबन 7-8 महीने। उसके बाद भाई वो थोड़ा सा ना जो मैनेजर था वहाँ पे थोड़ा ऐसे हो गया था कि तू अगर मैंने जैसे मैंने उनको बोला कि मैं इंडिया जा रहा हूँ इस दिन, कह रहा नहीं इस दिन नहीं 5 दिन बाद चले जाओ, और मैंने 2 महीने पहले बोल दिया कि मैं 2 महीने बाद इस दिन को इंडिया जा रहा हूँ, कह रहा नहीं तू इस दिन नहीं किसी और दिन चला जा क्योंकि भाई वो दूसरा एम्प्लॉय आ जाएगा वापस। मैंने कहा मैं 2 महीने पहले नोटिस दे रहा हूँ, विच इज़ लीगली फाइन, ठीक है, लीगली आप लोगों को अगर कहीं जाना है तो आप लोगों को नोटिस देना पड़ता है कुछ सर्टन पीरियड से पहले, हर जॉब्स पे होता है वो, मैंने सही टाइम पे दे दिया फिर। और भाई जो वहाँ पे मैनेजर था थोड़ा सा अजीब सा था, मेरे को मतलब मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ काम करने में, और बीपी में मेरा पे रेट फिर से अराउंड 30 अराउंड था। तो वहाँ पर मैंने जॉब करी,
उसके बाद भाई साथ साथ में उबर करता रहा। और तुषार भाई सबसे मोटी कमाई यूट्यूब कहाँ गया आपका? तो भाई यूट्यूब पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया 2017 में, मैं ऑस्ट्रेलिया 2020 में। यूट्यूब वीडियोज़ करना मेरे को पसंद है, आप लोगों को पता है। मास्टर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन, आखिरी महीना बचा पढ़ाई का, मास्टर ये भी खत्म होने वाली है। ये स्टार्टिंग से चलता आ रहा था, थोड़ा कहीं और लाइट स्विच करूँगी, अजीब सा लग रहा हूँ मैं आप। तो भाई यूट्यूब मेरा स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया 2017 में चल रहा था, 2020 तक मैं ऑस्ट्रेलिया गया था 2020 फरवरी में, और उसके बाद अभी चल ही रहा अभी तक, ठीक है। नहीं यहाँ पर नहीं चली रही है, धीरे धीरे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके चल रही है, बट चल रही है, ठीक है। पहले ज़्यादा दबदबा था, पहले बढ़िया व्यूज आ रहे थे, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अपने तो पहले 2-3 साल तक सिर्फ 250-250 व्यूज़ आए, तो मेरे को इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपन मेहनत करते रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग लाते रहेंगे। हाँ मैं कहाँ पर था, तो यूट्यूब स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, ठीक है। इतनी सारी जॉब्स करी और उसके बीच में यूट्यूब भी किया, उसके बाद में असाइनमेंट्स पढ़ाई भी करी, उसके बाद घर के काम सारे वो सब कुछ किया। ये सारा रोना जो इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी से बात करता तो करता नहीं, यहाँ तो सब करना पड़ता है, यहाँ पर तो हमारी लाइफ तो झंड है ऐसे करके, बट नहीं भाई हवाबाजी भी पूरी है इंटरनेशनल स्टूडेंट की, ठीक है। तो हाँ यूट्यूब भी साथ साथ चलता रहा। तो अब हम लोग प्रॉपर फीस वाली बात पर आते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा होता है उसको पहले से ही फीस देनी होती है। मेरी फीस थी भाई स्टार्टिंग में आती $14,000, ठीक है। वो फिर पापा ने, ठीक है, और करा था सब कुछ, क्योंकि भाई हम कहाँ कमाते थे, बीबीए के बाद तो कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्ट यहीं आ गए। तब वो फीस पापा ने भरी थी स्टार्टिंग वाली। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली थी वो 6 महीने हम लोगों ने, मतलब करीबन 8-10 महीने जब तक मैं आ रहा, इकट्ठी कर ली सेकंड सेमेस्टर की फीस, खुद भरी। फिर हाँ भाई बारी आई थर्ड सेमेस्टर की, तब अपना थोड़ा सा हार्ट टाइट हो गया, ठीक है। फिर शायद से मैंने पापा से थोड़ी सी हेल्प ली थी $1,000-2,000 की, तब वो फिर फीस पे फिर से पे ऑफ हुई थी। फिर भाई फिर जब मैं फिर मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के लिए मेलबर्न मूव हुआ, ठीक है, तब मेरा क्या सीन था, मैंने फोर्थ वाले सेमेस्टर में एनरोल नहीं किया था, मेरे इस वाले एडमिशन में COE आ गई थी, तो फिर मेरे को इस वाले की फ़ीस भरनी थी। उसके बीच में भाई मैंने थोड़ी बहुत हेल्प साहिल भाई से भी ली, ठीक है। आप लोगों ने साहिल भाई नहीं बता आप लोगों डेंटिस्ट भाई, अपना भाई ने मेरी हेल्प करी थी, ठीक है। तो भाई साहिल भाई को भी बहुत सारा थैंक यू, ठीक है, बुरे टाइम में हेल्प करने के लिए, क्योंकि भाई एकदम से होता है ना कि वीज़ा की सारी फाइल उसमें जो भी पैसे लगे। उसके बाद भाई बहुत ज़्यादा हाई टाइट हो गया था, बीच में कोविड में लॉकडाउन हो गया था, बिल्कुल भी काम नहीं था, तो फिर थोड़ी बहुत हेल्प भाई साहिल भैया से ली थी, ऐसा नहीं है कि हेल्प लेके भूल गए, ठीक। उसके बाद भाई फिर मैंने खुद फीस भरी अपनी, भाई मतलब आप लोगों में जेन्युइन बता रहा हूँ। फिर भाई उसके बाद आज तक मैंने सारी फीस खुद भरी है, फिर पापा से बीच में शायद से थोड़ी सी ली थी, ऐसा नहीं है भाई, हम लोग बिल्कुल ही तगड़ा बिल्कुल अंबानी वाला खानदान है भाई, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं। आप लोग कह सकते हो भाई 85% मैंने फीस खुद ही भरी है, ठीक है। बाकी जो थोड़ी बहुत हेल्प ली थी भाई ऑब्वियसली रिटर्न करी, ठीक है, ऐसे नहीं रख के नहीं बैठ गए भाई। तो स्पेशल थैंक्स टू भाई पापा जिन्होंने भाई पैदा किया, ठीक है। और फिर भाई बीच बीच में थोड़ी सी हेल्प मैंने वानी से ली, ठीक है, ऐसे कि तो नहीं है ना भाई हर टाइम हमारे पास जेब में पैसा ही पैसा पड़ा, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारी फीस है, जैसे मान लो आप लोग, मैंने आप लोग को बताया 48,000, तो एक साथ पूरी नहीं गई है, वो ट्राइमेस्टर वाइज गई है, उसका डिवाइड बाई 4 कर लो, तो वैसे करके समझ गए ना। और भाई साथ ही साथ ये, आप तुषार भाई तुम तो इतना दबा के यूट्यूब कर रहे हो, कहाँ से हार्ट टाइट हो रहा है भाई, स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। यूट्यूब की कमाई हम लोगों की हर बारी फिक्स नहीं होती, क्या आप लोग चाहते हो मैं यूट्यूब की अर्निंग्स बताऊँ अपनी, मैं सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, वो भी बता देंगे भाई हम लोग जेन्युइन होके। इनकम सोर्सेज में हमारी क्या क्या होती है, हमारी इनकम सोर्सेज में जो भी मैंने आप लोगों को जॉब्स बताई, प्लस मेरा यूट्यूब चलता रहा साइड बाय साइड, और आप लोगों की वजह से, मतलब ये है कि खर्चे, मतलब चलो वो अलग ही बताऊंगा, ठीक है, वो वीडियो में, बट हाँ यूट्यूब और सारी जॉब सारी मेहनत इन सब की वजह से भाई पूरी फीस पे ऑफ हो गई, ठीक है। अभी भाई मेरे को कोई और फीस नहीं देनी यूनिवर्सिटी के अंदर, लकीली टच वुड, ठीक है, आखिरी का 1 महीना बचा है, हाँ सारी पढ़ाई सारी फीस इतनी मेहनत करके, मतलब लगा लो $1,00,000 तो बढ़ दी। और ये सिर्फ तुषार भाई तो 88,000 है भाई, इतने टाइम में मैं रहा, इतने टाइम जो रेंट भरा, इतने टाइम जो गाड़ी, फिर पेट्रोल, फिर बीच में गाड़ी भी ली थी, ठीक है, जब थोड़ी इकट्ठी साइड में सेविंग करता गया मैं, बीच बीच में मैं हेल्प लेता गया। ये तो तुषार भाई आपका थोड़ा सही नहीं बैठ रहा, आपने गाड़ी कहाँ से खरीद ली भाई फिर बीच में, इन सब के बीच में ऐसा भी, क्योंकि हर टाइम तो भाई हम लोग वैसे नहीं चलते ना, कि समझ रहे हो ना कि स्टार्टिंग में ही सबसे पहली गाड़ी मेरी थी $3,000 की, फिर 14,000 और फिर ये थी, ठीक है। तो ये थी भाई मेरी जर्नी कैसे फीस पे ऑफ होने की, क्या क्या काम धंधे हमने करे, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। आप लोगों के पास 24 आवर्स ऑफ वीक हैं, मतलब हम लोगों के पास भी अभी जब तक स्टूडेंट हूँ मैं, 24 आवर्स ऑफ वीक है काम करने को। जब आप लोगों की छुट्टियाँ होती हैं तब आप लोग अनलिमिटेड काम कर सकते हो, ऐसा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। अनलिमिटेड मतलब 40-50 घंटे, इससे ज़्यादा फटी जाएगी अपनी, करते हैं भाई लोग 80-80 घंटे भी करते हैं। तो हाँ क्या कह रहा था मैं,
कि सेमेस्टर्स के बीच में आप लोगों को ब्रेक मिल जाता है, उसके अंदर दबा के काम करो, मतलब जो छुट्टियां होती हैं हॉलीडेज तब आप लोग अनलिमिटेड काम कर सकते हो, तब भाई दबा के काम करो, ऐसे नहीं भाई हमने 6000 डिलीवरी करी ऊबर ईट्स पे, ठीक है, और अलग जो डोमिनोज पे करी अलग काउंटलेस है, मतलब ये समझ लो कि 10000 डिलीवरी करी दी भाई हमने ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, पैसा कमाया भाई, फीस पे ऑफ करी, अपना खर्चा निकाला, ठीक है, गाड़ी भी खरीदी, और जो बहुत ज़्यादा बुरा टाइम था भाई फिर हेल्प भी मांगी, ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना कि भाई हम ही अंबानी है पीछे अंदर हाथ डालो कैश निकल रहा है पीछे वाली जे पीछे से, ऐसा नहीं है ना भाई, तो बुरा टाइम भी होता है अच्छा टाइम भी होता है, कोविड का टाइम भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा जहाँ पर हम लोग काम नहीं कर पाए, बट फिर भी भाई हो गया, ठीक है, सारा फीस पे ऑफ हो गई, आई एम रियली हैप्पी, आई होप आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी कि खुद ही कर दी फीस, ठीक है, स्टार्टिंग ही पापा से ली, बीच में थोड़ी थोड़ी सी हेल्प ले ली हमने, बट फिर भाई इन द एंड कर ही दी, तो अगर आप लोग वीडियो इतने से लेकर लाइक कर देने को चाहिए सब्सक्राइब करना आपको लगेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लफ मेल बॉयफ्रेंड है, हाउस टूर का वेट नहीं हो रहा मेरे से भी नहीं हो रहा, कर देंगे हाउस टूर जल्दी से, और यूट्यूब वाली वीडियो बनानी है अर्निंग्स की तो बताओ नहीं, तो हाँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लफ मेल बॉयफ्रेंड है प्लीज़। तो हाँ भाई फिर फिर कोविड हो गया था, कोविड के टाइम पे भाई कोई मैंने जॉब नहीं करी थी, ठीक है, कोई मतलब जॉब वगैरह